इमरान खान अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता है। इमरान खान का बचपन ऐसा था जैसे बचपन के हम ख्वाब देखते हैं। चार बहनों का इकलौता लाडला भाई, अमीर खानदान, बहुत सी खेलकूद और अच्छी तालीम। इमरान खान का खानदान इज्जतदार और पैसे वाला तो था ही, लेकिन अगर बात करें इनकी खानदानी हिस्ट्री की तो इमरान खान के दादा के दादा के दादा हैबत खान नियाज़ी 16वीं सदी में हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह सूरी के जर्नैल होने के साथ साथ पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और कश्मीर को भी फतह किया था। लेकिन इमरान खान कोई जनरल नहीं बने, क्योंकि इन पर इनकी वालदा के खानदान का ज्यादा असर पड़ा था। इनकी वालदा के खानदान से माजी में दो जाने माने क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते रहे हैं और इन्हीं की वजह से इमरान खान को भी क्रिकेट खेलने का शौक हुआ। बचपन में इमरान खान का बस एक ही शौक था और वो था पतंगबाजी, लेकिन इमरान खान ने कभी भी अपने पल्ले से पतंग खरीद कर नहीं उड़ाई, वो हमेशा लूट कर ही उड़ाया करते थे। और इनका ये शौक तब तक चलता रहा जब तक के बसंत पर पाबंदी आयद नहीं हो गई। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। कैथीड्रल स्कूल से मैट्रिक के बाद लाहौर के एचिसन कॉलेज में दाखिला लिया। एचिसन कॉलेज लाहौर की इलीट क्लास का वो कॉलेज है जहां कभी मलेशिया और इंडोनेशिया के शहजादे पढ़ने आया करते थे। इमरान खान की क्रिकेट का आगाज भी एचिसन कॉलेज से ही हुआ। महज 17 साल की उम्र में इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के लिए इंग्लैंड की परवाज पकड़ी और यहीं से उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेलना शुरू की और ऑक्सफोर्ड क्रिकेट टीम के पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन बने। वैसे ऑक्सफोर्ड की कैप्टनसी के बाद इमरान खान आसानी से इंग्लैंड क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना सकते थे और वो ऐसा सोच भी रहे थे, लेकिन इनके कजन माजिद खान ने इन्हें समझाया कि आप जो इज्जत और शोहरत पाकिस्तानी टीम में खेलते हुए खुद को और अपने मुल्क को दिलवा सकते हो, वो फेम और रिस्पेक्ट इंग्लैंड टीम में खेलते हुए कभी हासिल नहीं कर सकते। और यूं 3 जून 1971 को बर्मिंगम में इमरान खान का पाकिस्तानी टीम की तरफ से डेब्यू हुआ। ये डेब्यू भी इमरान खान की सियासत की शुरुआत के जैसा ही था। इमरान खान सिर्फ 5 रन्स बनाकर ही आउट हो गए, जबकि बॉलिंग में टोटल 29 ओवर्स करवाने के बावजूद कोई विकेट ना ले पाए। इनफैक्ट इमरान खान को अपने क्रिकेट कैरियर में पहली विकेट 3 साल बाद यानी 1974 में मिली थी। उस वक्त ये लगता था कि इमरान खान एक आम सा खिलाड़ी है जो कभी भी टीम से निकाला जा सकता है और लोग इन्हें बआसानी भूल जाएंगे, लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो हार मान जाए। इमरान खान मीडियम पेस पर बॉलिंग किया करते थे, लेकिन उनका मिजाज था फास्ट बॉलिंग वाला, इसीलिए इन्हें अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी थी। और फिर इमरान खान ने तेज और बहुत तेज बॉलिंग करवाना शुरू की। इसके लिए उन्होंने भरपूर ट्रेनिंग शुरू की और फिटनेस को जुनून बनाया और अपनी डाइट पर खसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। इस सब का नतीजा निकला कि 1977 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहा था। पाकिस्तान अपना पहला मैच मेलबर्न में हार चुका था और अब सिडनी में भी हालात खराब हो सकते थे अगर पाकिस्तान का कॉर्नर टाइगर ना जाता। और ये वो वक्त था जब अपने डेब्यू के 6 साल बाद पहली बार इमरान खान ने 6 विकेट ली और यूं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इसी के घर में हराया। इस मैच के बड़े ही दिलचस्प वाकयात हैं। ये उस दौर का मैच है जब ना तो हेलमेट इजाद हुए थे और ना ही कोई न्यूट्रल अंपायर होता था। तो हुआ यूं कि पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर लिली ने पाकिस्तानी बैट्समैन को बाउंसर मार मार कर हिला कर रख दिया था। ऊपर से सारा क्राउड चिल्ला रहा था लिली लिली किल किल। और जब अपनी बारी पर ऐसे ही बाउंसर इमरान खान ने मारना शुरू किए तो अंपायर गुस्सा कर गया और पाकिस्तानी कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि इमरान खान को समझा लो वरना बॉलिंग से निकाल दूंगा। मुश्ताक मोहम्मद ने अंपायर के सामने तो इमरान खान को समझा दिया,
लेकिन जब इमरान खान बॉलिंग करवाने के लिए मार्ग पर पहुंचे तो मुश्ताक मोहम्मद दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा कि हिट द फास्टर बिटवीन द आईज। सिडनी मैच जीतने के बाद इमरान खान और पाकिस्तानी टीम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इमरान खान को जल्द ही टीम का कैप्टन बना दिया गया और फिर एक के बाद एक फतह मिलती गई। जावेद मियां दाद के एक छक्के से उस दौर का आगाज हुआ जिसके बाद शारजा में तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान लगातार भारत को हराता रहा। इमरान खान की कैप्टनसी में वसीम अकरम, वकार यूनस, सईद अनवर और इंजमामुल हक जैसे प्लेयर पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। 1987 में वर्ल्ड कप आ रहा था और ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था और इमरान खान ये वर्ल्ड कप खेलकर बस रिटायर्ड होना चाहते थे। उस वक्त इमरान खान अपने कैरियर की पीक पर थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। इमरान खान का कहना था कि रिटायरमेंट उसी वक्त ले लेनी चाहिए जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही हो, ना कि जलील होके। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया और 1987 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यूं इमरान खान ने अपने 16 साल कैरियर के बाद रिटायरमेंट ले ली। उस दौर में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के सदर थे जो खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े शिदाई थे। इमरान खान ने तो रिटायरमेंट ले ली लेकिन पाकिस्तान की अगली सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये उन दिनों की बात है जब वेस्ट इंडीज किसी भी दूसरी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब होती थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स और दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन। जनरल ज़िया ने इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की कि आप वापस टीम में आ जाएं वरना हमें बहुत मार पड़ेगी। इमरान खान मान गए, सीरीज शुरू हुई और बराबर हो गई। इमरान खान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया लेकिन इस बार इमरान खान का ख्वाब सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था क्योंकि उन दिनों इमरान खान की वालदा शौकत खानम को कैंसर का मर्ज लाहक हो गया था। इमरान खान अपनी वालदा से बहुत प्यार करते थे। जब इमरान खान को अपनी वालदा के कैंसर की तशखीस के बाद ये पता चला कि इस मर्ज से लड़ना कितना मुश्किल है, इसमें कितनी केयर करना पड़ती है और कितना खर्चा करना पड़ता है, तब उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी गरीब को कैंसर होता हो तो वो किस तरह से इस मर्ज से लड़ता होगा। और यही वो वजह थी जब उन्होंने ये सोचा कि क्रिकेट से पैसा कमाना है और इस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। लिहाजा इमरान खान ने अपने कैरियर के आखिरी बरसों में सारी तवज्जो पैसे कमाने पर रखी। उन्होंने पेप्सी के इश्तेहारात में काम किया, जितने मैचेस खेल सकते थे खेले, कमेंट्री की, कॉलम लिखे, गर्ज पैसे कमाने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर डाला। हॉस्पिटल के लिए चंदा इकट्ठा करने की गर्ज से वो ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर शहर शहर और गांव गांव गए जहां चारों तरफ लोग इन्हें भर भर कर पैसा देते थे और पैसे कमाने पर ही इन पर पहला इल्जाम आता है जुए का। ये इल्जाम कभी साबित तो नहीं हुआ लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान अपनी टीम के जीतने पर बेट लगाया करते थे, यानी शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान जीतेगा और फिर पाकिस्तान की जीत को यकीनी बनाने के लिए पूरी जान लगा देते थे और पाकिस्तान जीत जाता था। इन पर दूसरा और सबसे मशहूर इल्जाम है प्लेबॉय होने का। ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के दिलों पर इस हैंडसम कप्तान ने राज किया। एक तरफ तो इमरान दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक थे और दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे गुड लुकिंग प्लेयर्स में से एक थे। यही वजह है कि इमरान खान के बहुत से अफेयर्स मशहूर हुए जिसमें जीनत अमान का अफेयर सबसे मशहूर रहा। भारतीय अदाकारा जो बोल्ड होने के लिए जानी जाती हैं, जिससे सभी को यही लगा कि इमरान खान और जीनत अमान का अफेयर चल रहा है। जब भी पाकिस्तान का इंडिया में कोई मैच होता तो इमरान खान जिस होटल में रुकते उसी होटल में एक कमरा जीनत अमान भी बुक करवा लेती थी। यही नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा कि एक ज्योतिषी ने मुझसे बोला है कि मेरे हस्बैंड का नाम आई से शुरू होगा। लिहाजा उस वक्त के अखबारों और फिल्मी मैगजीनों ने इस इशू को खूब उछाला लेकिन ये बात हकीकत है कि इमरान खान की तरफ से जीनत अमान को कभी कोई खास पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन फिर एक केस आता है जिसे सीता वाइट केस कहते हैं।
इमरान खान की जवानी का ज्यादातर हिस्सा क्योंकि इंग्लैंड में गुजरा था, तो वहीं पर इनकी दोस्ती एक अमेरिकन खातून सीता वाइट से हुई। सीता वाइट का क्लेम ये है कि इमरान खान इनके बॉयफ्रेंड थे और सीता वाइट की ही ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के बेबी की मां बने, लेकिन इमरान खान ने कभी इस दावे को तस्लीम नहीं किया। अलबत्ता जब कभी भी इमरान खान से इनकी जवानी के दिनों की बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि मैं कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वक्त मिला तो उन्होंने अलामा इकबाल को पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से इनकी दुनिया बदलती चली गई और एक नए दौर का आगाज हुआ और इमरान खान अपने कल्चर और तहजीब पर पक्के हो गए। तभी से वो नमाजों की पाबंदी करने लगे, कौमी लिबास कमीज शलवार जेबे तन करने लगे, यानी एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी और मुसलमान बनते चले गए। 42 साल की उम्र तक इमरान खान ने शादी नहीं की थी और फिर अचानक ये खबर आई कि उन्होंने लंदन में बरतानिया के एक मशहूर पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन जेम्स गोल्डस्मिथ की लाडली बेटी जमाइमा को मुसलमान करके निकाह कर लिया है। ये निकाह 16 मई 1995 को हुआ और जमाइमा इमरान खान के साथ पाकिस्तान आ गईं। बात करें इमरान खान के सियासी कैरियर की तो शुरू शुरू में तो इमरान खान का सियासत में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मुल्की हालात से तंग आकर उन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से अपनी एक सियासी पार्टी तश्कील दी। शुरू शुरू में तो तहरीक इंसाफ को एक तांगा पार्टी कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि पार्टी के सारे मेंबर एक तांगे में पूरे आ जाते थे, लेकिन बहरहाल एक सियासी पार्टी थी, इसलिए कुछ अरसा पहले तक इमरान खान जो कि एक कौमी हीरो थे वो रवायती सियासतदानों को अपने हरीफ लगने लगे और इनकी तरफ से इन पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी गई। यहूदी एजेंट, जुआरी, नशेई वगैरह वगैरह, ये तो वो अल्फाज हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे गलीज इल्जामात भी लगते रहे जिसे बोलना भी नामुनासिब है। यही नहीं बल्कि इनकी बीवी जमाइमा पर भी स्मगलिंग, झूठा मजहब और तरह तरह के बेहुदा इल्जामात भी लगाए गए, जिनसे जमाइमा इंतहाई बेजार हो गई और उन्होंने इमरान खान से कहा कि या तो मुझे तलाक दे दो या फिर मेरे साथ इंग्लैंड आ जाओ, लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो ढीठ ना हो। सारे सियासतदान एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, तलाक करवा ली लेकिन अपने ख्वाब से पीछे नहीं हटे। वो टीवी शोज में जाते, कॉलम लिखते, इंटरव्यूज देते और किताबें लिखते रहे। 16 साल तक तो किसी ने कान नहीं धरे, लेकिन फिर 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान के साए तले होने वाले जलसे ने तमाम हालात बदल कर रख दिए। उस दिन लाहौर ने इमरान खान को एक कौमी लीडर के तौर पर इंडोर्स किया। उसी रोज ये पता चल गया था कि इमरान खान कम से कम एक बार तो वजीर आजम जरूर बनेंगे। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि वो वक्त जल्दी आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरमियान में बहुत कुछ हुआ, 2013 के इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। इसी इलेक्शन की कंपेन के दौरान इमरान खान स्टेज से नीचे गिर गए। ताहम इसी इलेक्शन में पहली बार इमरान खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में भी कामयाब रहे। उन्हीं दिनों सिकंदर इस्लामाबाद में घुस गया, धरना हो गया, गुलूबट आया, आर्मी पब्लिक का सानहा हुआ, जनरल राहील शरीफ ने ज़र्बे अज़ब शुरू किया, रेहम खान से इमरान खान की दूसरी शादी हुई, पानामा पेपर्स आ गए, रेहम खान से तलाक हुई, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, नवाज शरीफ नाअहल हो गए, फिर रेहम खान की किताब आई, नवाज शरीफ जेल चले गए, बुशरा बीबी से शादी हुई और फिर हुए 2018 के इलेक्शन और वही तहरीक इंसाफ जिसे कभी तांगा पार्टी कहा जाता था, इस बार 149 सीटों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई और फिर दुनिया ने अपनी धुन के पक्के और सच्चे लीडर को पाकिस्तान का वजीर आजम बनते हुए देखा। और यही वो वक्त था जब मुल्क आलमी कर्जों और इक्तसादी और मुआशी बहरानों में बुरी तरह से डूबा हुआ था। इमरान खान की हुकूमत के इक्तदार में आते ही कोविड आ गया और जिस तरह से खान ने इस मुश्किल तरीन वक्त में मुल्क को चलाया, दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो गई।
अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और पाकिस्तानी मुफाद से मुतालिक सोचने और करप्शन के खात्मे की कोशिश करने के जुर्म में रजीम चेंज हुआ और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और इसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान खान अजम के पक्के बंदे हैं और आज तक इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप कोई नहीं जीता, लेकिन इमरान खान ने जीता है। पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल का क्याम एक मुश्किल तरीन काम था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। सब कहते थे कि वो वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने बन कर दिखाया। और अब जबकि इन्हें इख्तदार की कुर्सी से उतार दिया गया है तो बकौल उनके वो ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इस बार इनका मकसद और ख्वाब पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाना है और ये इमरान खान ही हैं जिन्होंने अवाम को चोरों, लुटेरों और करप्ट सियासतदानों और इदारों की पहचान करवाई और बताया कि कैसे ये टोला पिछले 70 साल से दौलत की हवस में नस्लों को गुलाम बनाता आ रहा है। और इसी शऊर की वजह से आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात कहता सुनाई देता है, क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।